अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब इज़हार। दोस्तों न्यू के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नर्सिंग और पैरामेडिकल के एडमिशन्स के बारे में जो कि अनाउंस हुई हैं मुख्तलिफ सरकारी हॉस्पिटल्स में, जिस पर आप लोग मेज़ ऑफ फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में काफ़ी सारे एड्स हैं, तो आपने वीडियो को गौर से देखना है, इसको एंड तक देखना है और स्किप नहीं करना है ताकि कोई भी एड आपसे मिस ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल जॉब इज़हार सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको डेली बेस पर जॉब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों आपने आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है जॉब इज़हार। ऐसे आपने सर्च करना है गूगल पे और इस पहले लिंक पे जहाँ पे जॉब इज़हार डॉट इन्फो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लेटेस्ट बी एस नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एडमिशन्स, ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो पोस्ट है ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप थोड़े से नीचे आकर इसकी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं और यहाँ पे तमाम एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं, ठीक है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं और अप्लाई लिंक्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे अब आपने गौर से देखना है और एंड तक देखना है, इसमें काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट हैं। तो यहाँ पे अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है आपके काम का जो ऐड है वो मिस हो जाए आपसे। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे जो एडवर्टाइजमेंट है, ये शेख जायद हॉस्पिटल है लाहौर में, शेखाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज। इसमें पैरामेडिकल कोर्सेज के एडमिशन ओपन हैं। तो इसके लिए अगर आप कहीं से बिलोंग करते हैं पूरे पाकिस्तान से, किसी भी सूबे से, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे है जो कोर्स, वो प्रोफेशनल टेक्नीशियन के लिए है। 2 साल का कोर्स है, ईसीजी टेक्नीशियन है, 1 साल का कोर्स है, ईजी टेक्नीशियन है, 1 साल का कोर्स है, आर्थोपेडिक टेक्नीशियन है, इसमें यहाँ पे 1 साल का कोर्स है, एंडोस्कोपी का यहाँ पे कोर्स है और यहाँ पे 1 साल का कोर्स है। यहाँ पे जो पहले नंबर पे कोर्स है ना, यहाँ पे प्रोफेशनल टेक्नीशियन के लिए, इसमें एफएससी प्री मेडिकल हो, बाकी तमाम कोर्सेज के लिए मैट्रिक बायो के साथ होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नंबर फर्स्ट पे जो कोर्स है इसके लिए एफएससी प्री मेडिकल वाले, और बाकी तमाम कोर्सेज के लिए जो है मैट्रिक बायो के साथ हो, 45 मार्क्स के साथ हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क्स भी आपको दिए जाएंगे, यहाँ पर आप चेक सकते हैं। एज आपकी 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम से कम आपकी 17 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल तक होने चाहिए। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो 20 नवंबर है और उसके बाद यहाँ पे तमाम कंडीशन इसमें अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि आपने कैसे अप्लाई करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इस साइड में मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है, ये यहाँ पे है शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर में, ये इंस्टीट्यूट है और इसमें यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं मेडिकल लेबॉर्ट्री के लिए, ऑपरेशन थिएटर, रेडियोलॉजी, डेंटल, डायलिसिस और डिस्पेंसर, आईटी टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी के लिए यहाँ पे कोर्सेज के एडमिशन ओपन है। मेट्रिक क्वालिफिकेशन ऑफ बायो के साथ और 5 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है और इनके नंबर्स आपके यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एडमिशन के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे ये लाहौर में इंस्टीट्यूट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट कोर्सेज हैं, ये इंस्टीट्यूट है यहाँ पे मदीना टीचिंग हॉस्पिटल, ठीक है, फैसलाबाद में, ठीक है, इसमें एडमिशन्स ओपन हैं। स्कूल ऑफ पैरामेडिक्स है फैसलाबाद में, तो इसमें जो है वो पैरामेडिकल कोर्सेज के एडमिशन्स ओपन है। यहाँ पे सबसे पहले है डेंटल टेक्नीशियन, उसके लिए यहाँ पे फिजियोथेरेपी, डायलिसिस, मेडिकल लेबॉर्ट्री, ऑपरेशन थिएटर, रेडियोग्राफी और डिस्पेंसर के लिए मैट्रिक आपकी बायो के साथ होनी चाहिए और 17 से लेकर 22 साल तक एज लिमिट हो। 13 नवंबर लास्ट डेट है। बाकी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस साइड में मिल जाएगी, तमाम इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और 13 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इनके नंबर आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और ये जो है इंस्टीट्यूट ही फैसलाबाद में है। उसके बाद यहाँ पे बीएस नर्सिंग के एडमिशन ओपन हैं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी और सिंध में कराची में, ठीक है। तो यहाँ पे बीएस नर्सिंग 4 साल ये कोर्स है और 5 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। और इसके अलावा यहाँ पे इसमें जो है वो काफ़ी सारे इसमें कैटेगरीज हैं, ठीक है, ओपन मेरिट पे, सेल्फ अनाउंस पे और इसके लिए यहाँ पे मेल्स और फीमेल्स की यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज हैं। इसमें जो है वो बीएस नर्सिंग 4 साल प्रोग्राम है, 50% एफएससी प्री मेडिकल में आपके नंबर हों और 18 से लेकर 35 साल तक एज लिमिट हो और सिंध के डोमिसाइल होल्डर्स में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, इसके लिए अप्लाई कैसे करना है इसका लिंक आपके यहाँ पर ऊपर मिलेगा, ये देखें, ठीक है, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी और इसका लिंक यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 5 नवंबर है, ठीक है। उसके अलावा ये 4 साल का कोर्स है बीएस नर्सिंग के लिए। बाकी यहाँ पे जो नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है ये है पिम्स का, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और इस्लामाबाद में ये हॉस्पिटल है। इसमें यहाँ पर एडमिशन ओपन है एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। इसमें एमएलटी है, ऑप्थोमेटिक टेक्नोलॉजी है, डेंटल हाइजीन है, इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, फिजियोथेरेपी है, ओटी टेक्नीशियन और डिस्पेंसर के लिए, ठीक है, यहाँ पर एडमिशन ओपन है। और इसमें जो है ये जो है इसमें
डिस्पेंसर के अलावा बाकी तमाम कोर्सेज 2 साल के हैं, डिस्पेंसर 1 साल का कोर्स है। तो यहाँ पे जो इसके लिए मैट्रिक आपकी होनी चाहिए डिस्पेंसर के लिए, ठीक है, और बाकी तमाम क्वालिफिकेशन जो है, अगर आप एफएससी करना चाहते हैं तो मैट्रिक बायो के साथ आपकी होनी चाहिए 31। इसकी जो है वो आपकी जो एज है 18 से लेकर यहाँ पे 16 से लेकर 19 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो डिटेल है, ठीक है, वो मैट्रिक क्वालिफिकेशन हो आपकी 45% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो लास्ट डेट है यहाँ पे अप्लाई करने की, ठीक है, वो 31 अक्टूबर है। और उसके बाद यहाँ पे कंडीशंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे अप्लाई करना है, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, और इसका भी लिंक आपके यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्म ये देखें, ठीक है, इसके ऊपर लिंक अवेलेबल है एप्लीकेशन फॉर्म का, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है, ये बहरिया स्कूल ऑफ नर्सिंग है, बहरिया टाउन लाहौर में, इसमें एडमिशन ओपन है। 4 साल BS नर्सिंग प्रोग्राम है, इसमें FSC आपकी होनी चाहिए 50% नंबर के साथ, 14 से 35 साल तक इसमें में तो मेल्स और फीमेल्स दोनों कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। बहरिया इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग है, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, इनके नंबर्स आपके यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस आपको कंप्लीट इस शहर में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है, ये बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है KPK के कैंडिडेट्स के लिए, गवर्नमेंट ऑफ KPK की तरफ से जो है वो BS नर्सिंग 4 साल प्रोग्राम के एडमिशन ओपन हैं। इसमें काफ़ी सारे नर्सिंग इंस्टीट्यूट हैं पिशावर में, और लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पिशावर, हयातबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पिशावर, और खैबर टीचिंग हॉस्पिटल पिशावर है, अयूब टीचिंग हॉस्पिटल एबटाबाद, और बनू नर्सिंग कॉलेज है, सवात नर्सिंग कॉलेज, और मददान नर्सिंग कॉलेज, DI खान नर्सिंग कॉलेज, और कोहार नर्सिंग कॉलेज की तरफ से यहाँ पर एडमिशन ओपन है। 10 नवंबर लास्ट डेट है। FSC प्री मेडिकल हो 50% नंबर के साथ, और KMU टेस्ट आपको देना होगा, ठीक है। 18 से लेकर 35 साल तक एज लिमिट हो, और ये गवर्नमेंट की तरफ से है, ये एडमिशन ओपन है, इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और ये पूरे KPK से आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और 10 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। बाकी यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, ये देखें प्रोविंशियल हेल्थ सर्विस अकेडमी KPK, इसका लिंक ऊपर अवेलेबल है, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ है लाहौर में, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, ये BSc MLT के लिए एडमिशन ओपन है, मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नीशियन के लिए, और गवर्नमेंट की तरफ से इसमें जो है वो आपकी FSC प्री मेडिकल होनी चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं 50% नंबर के साथ, और ऑल ओवर पंजाब से आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो तमाम कंडीशंस जो हैं यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, और इसके जो है लास्ट डेट वो 23 नवंबर है, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और कंडीशंस जो हैं अप्लाई करने की और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इस साइड में मिल जाएगी, इनके नंबर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। BSc MLT के लिए यहाँ पे 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट कंडीशंस हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, शहीद जुल्फ़ार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, तो यहाँ पे एडमिशन्स ओपन है DPT के लिए, और BS अलाइड हेल्थ साइंसेज के लिए, और BS नर्सिंग के लिए, और पोस्ट RN के लिए। आप इनके एंट्री टेस्ट दे सकते हैं, और आपके जो है वो नर्सिंग के लिए 50% नंबर हो FSC प्री मेडिकल में, 14 से 35 साल तक एज लिमिट हो, और DPT के लिए 60% नंबर हो, अलाइड हेल्थ साइंसेज के लिए 50% नंबर हो, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी एंट्री टेस्ट स्टार्ट है, और लास्ट डेट जो है वो इसकी 28 नवंबर है, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं टेस्ट की। और अप्लाई करने की जो है वो लास्ट डेट 8 नवंबर है, नॉर्मल फीस लेट फीस के साथ 12 नवंबर है, और 28 नवंबर को टेस्ट होंगे, एंट्री टेस्ट होगा यहाँ पे शहीद जुल्फ़ार अली भुट्टो जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी का। और अप्लाई करने का प्रोसेस आपको इस साइड में मिल जाएगा कम्प्लीट डिटेल के साथ, और इसका जो लिंक है अप्लाई का वो भी आपके यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे अवेलेबल है, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है, ये यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज जो है वो लाहौर में, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इदारा है, इसमें जो है MLT के लिए एडमिशन ओपन है, 2 साल सर्टिफिकेट है, और इसके लिए यहाँ पे जो है FSC डेंटल हाइजिस्ट के लिए यहाँ पे जो है वो कोर्सेज़ हैं 2 साल, और पब्लिक हेल्थ के लिए यहाँ पे 2 साल सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पंजाब मेडिकल फैकल्टी की तरफ से अप्रूव्ड हैं, और इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 13 नवंबर है, और इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक होनी चाहिए बायो के साथ 45% मार्क्स के साथ, और इसके लिए बाकी यहाँ पे जो कंडीशंस हैं आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इनके नंबर्स भी आपके यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं।
उसके बाद एक और ही बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, यहाँ पर एडमिशन ओपन है कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीएस नर्सिंग के लिए और एफएससी प्री मेडिकल और पोस्ट आरएन के लिए भी यहाँ पर एडमिशन ओपन है। तो यहाँ पे बीएस नर्सिंग 4 साल प्रोग्राम है, एफएससी प्री मेडिकल 50% नंबर के साथ, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 15 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, रिटन टेस्ट आपके 6 दिसंबर को होंगे और बाकी कंडीशंस आपके यहाँ पे मिल जाएंगी और इसका अप्लाई का जो लिंक है आपके यहाँ पे इसके ऊपर ही मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इसमें कार्डियक परफ्यूजन और मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है, 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है अलाइड हेल्थ साइंसेज के लिए भी यहाँ पे एडमिशन्स ओपन है, इसमें एफएससी प्री मेडिकल हो 50% नंबर के साथ, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे कंडीशंस आप चेक कर सकते हैं, 15 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इंस्टीट्यूट है और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप पसंद आई होगी, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।